आई डोंट नो अबाउट द पर्टिकुलर बैकग्राउंड ऑफ ईच ऑफ यू, लेकिन अगर मैं चीज़ों को बड़ा सादा सा और आसानी से आपको कोशिश करूंगा जितना आसान तरीके से समझा सकूँ और उसको भी शुरू कर सकूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं वेन एवर यू आर कंसिडरिंग अबाउट द कंप्लाइंसेस और सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस। ये दो प्रॉस्पेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपने कभी कंपनी सेक्रेटरी का नाम सुना है किसी ने? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा जी, कंपनी है कंपनी है कंपनी है। कंपनी बेसिकली एक ऐसी चीज है जो रजिस्टर्ड होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका अपना वजूद होता है और वो रजिस्टर्ड होती है पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। SECP का नाम किसी ने शायद सुना होगा आपने से। SECP बहुत बड़ा है पाकिस्तान में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो रेगुलराइजेशन के हवाले से और कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करने के हवाले से पाकिस्तान का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है और बॉडी है जो एक गवर्न होती है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इसके अलावा कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन के अलावा बाकी रजिस्ट्रेशन है, जो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी है, बाद में पता चलता है कंपनी है ही, या तो सोल प्रोप्राइटर होता है बंदा, ठीक है, इंडिविजुअल बिजनेस होता है, अगर इंडिविजुअल बिजनेस नहीं होता है तो फिर क्या होता है जी, फिर पार्टनरशिप होती है। वो पार्टनरशिप या इंडिविजुअल बिजनेस को भी अक्सर लोग बाजूकात इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके लिए टर्म कंपनी की। कंपनी एक बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट है, एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और उसकी कंप्लायंसेस उसी के अकॉर्डिंगली होती है। कंपनी के अंदर एक अपॉइंटमेंट होती है कंपनी सेक्रेटरी की, अगर आप उसको जिस तरह आपने ऑफिस में सुना होगा सेक्रेटरी या जीए, पर्सनल असिस्टेंट वर्ड भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव जो करते हैं इस खास किस्म की पोजीशन के लिए, डेजिग्नेशन के लिए, वो आप सबने सुन रखा होगा। तो उसमें एक अपॉइंटमेंट होती है सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी की, जो कि बाई लॉ रिक्वायरमेंट होती है इन अ केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। कंपनीज की मुख्तलिफ टाइप्स, कुछ कंपनीज प्राइवेट होती हैं, कुछ पब्लिक होती हैं, ठीक है, कुछ SMC होती हैं, सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं, जो कि बाई नेचर प्राइवेट होती हैं। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ऊपर, कंपनी के लिए जो कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जिस तरह अभी आप देख भी रहे थे ट्रेडिंग टर्मिनल्स और ये सब कुछ, उनके लिए कंपल्शन है कि कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट उसके लिए कंपल्शन है बाई लॉ। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है, या इसके पीछे जो दर हकीकत जो मैं आप लोगों को जिस जाविये पर लाना चाह रहा हूं, वो ये है कि कंप्लायंस का वर्ड जो है इसकी हकीकत क्या है, कि कंप्लायंस है क्या बेसिकली, ठीक है। बाकी तो ये है ना कि अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है जी, मैं कहूंगी स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट फाइल होता है, स्पेसिफिकली जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है वो तो साफ जाहिर है, जब आप काम करेंगे, जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को कर रहे होते हैं, आप उस फॉर्म को देख रहे होते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को देख रहे होते हैं, उसके पैटर्न को समझ रहे होते हैं और आप उसकी फाइलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन उस डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों है? असल में कंप्लायंसेस का कॉन्सेप्ट ये है, कंप्लायंस क्या है कि डॉक्यूमेंट फाइल करना एक अलग पर्सपेक्टिव है जो कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस है, ठीक है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट तक जरूरत क्यों थी उस डॉक्यूमेंट को पूरा करने की, जो कि कंप्लायंसेस का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो जब कंपनी का लीगल स्टेटस है, लीगल नेचर है, तो उसकी हवाले से कुछ इस तरह के कानून पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंपनी, कि वो लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या किस नेचर की कंपनी है, उसी की हवाले से, उसी के लिहाज से उस पर कुछ अप्लाई होते हैं रूल्स, लॉज, रेगुलेशन। कोई भी वर्ड आप जो आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपने लिए। अब उन रेगुलेशंस और लॉज की एप्लीकेशन के साथ जैसे ही वो अप्लाई होते हैं तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है कंप्लायंस की। कंप्लायंस का वर्ड जो पीछे मैंने जितनी भी तमहीद बांधी है, जितनी भी डिफाइन किया है सारे प्रोसेस को और कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को, कंपनी कहां तक है सर, कंप्लायंस का वर्ड आपको इस स्टेज पर आके कंप्लायंस का वर्ड जन्म देता है कि कंप्लायंस जरूरी है, कंप्लायंसेस जरूरी है। कंप्लायंसेस कंपनी के हवाले से मुख्तलिफ नेचर की मुख्तलिफ रेगुलेटर्स के साथ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसकी कंप्लायंसेस को कौन कौन सी कंप्लायंसेस हो सकती हैं, सवाल ये पहले, उसकी तो एक कंप्लायंस तो SECP देख रहा होगा साहब, SECP सबका
जो यहाँ पर एक तरह से आप समझ लें कि टर्म मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो अगर आसान टर्म इस्तेमाल करूँ तो बॉस की टर्म जो है ना वो आ जाती है इसमें, कि तमाम जितने भी रेगुलेटर्स मौजूद हैं उन तमाम के ऊपर सबसे बड़ा रेगुलेटर है सीसीपी, उसकी कंप्लाइंसेस, मुख्तलिफ किस्म की कंप्लाइंसेस, उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लाइंसेस, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी के तौर पर आ जाते हैं, ठीक है, अगर आप प्राइवेट हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसमें, जब तक आपके शेयर्स की डीलिंग उस टर्मिनल के ऊपर नहीं होती, जो कि अभी अली भाई आपको थोड़ी देर पहले दिखा भी रहे थे, उस टर्मिनल के ऊपर नहीं होती तब तक आपके ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कोई भी रेगुलेशन आके अप्लाई नहीं होती, अनलेस अनटिल कि आप किसी स्पेशलाइज किस्म की एंटिटी हैं, जैसे कि आप हमारे पास इस वक्त बैठे हैं, हमारे पास मौजूद हैं फर्स्ट नेशनल एक्विटीज लिमिटेड में, ऐसे ही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्या मैं सही कह रहा हूँ, आप फर्स्ट नेशनल एक्विटीज में मौजूद हैं इस वक्त, फर्स्ट नेशनल एक्विटीज लिमिटेड इज अ स्पेशलाइज एंटिटी, एक तो कंपनी है, एक लिस्टेड है, दूसरी बात, तीसरी बात है कि स्पेशलाइज एंटिटी है, ब्रोकरेज है, ठीक है, लाइसेंस एज अ ब्रोकरेज है, तो अब वो तीसरी एक चीज भी साथ आके इन्वॉल्व होती है, तो बाजूका किसी एक रेगुलेटर की इन्वॉल्वमेंट या उसकी कंप्लाइंसेस इस पर्सपेक्टिव में भी देखी जाती है या इस पर्सपेक्टिव में भी एप्लीकेबल हो जाती है, अगर वो किसी स्पेशलाइज नेचर की, स्पेशलाइज किसी भी सेक्टर की एंटिटी हो, ठीक है, तो वो रेगुलेटर उस हिसाब से भी एप्लीकेबल हो जाती है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो लिस्टेड है उसके अलावा आपकी एनसीसीपी है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्लियरिंग हाउस सिर्फ अभी तक एक ही है और वो एनसीसीपीएल है, ठीक है, और एनसीसीपीएल में जब ट्रेड करते हैं उसकी सेटलमेंट्स होती हैं, उनकी क्लियरिंग्स होती हैं और इस तरह की चीजें एनसीसीपीएल सारी आपकी रूटीन में देख रहा होता है। इसके अलावा आपका सीडीसी आता है, उसके पास सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, सीडीसी भी आपकी एक पाकिस्तान में सीडीसी नेचर की जो कंपनी है, सीडीसी भी एक स्पेशलाइज नेचर कंपनी है, ठीक है, एनसीसीपीएल भी एक स्पेशलाइज नेचर कंपनी है, ईएसएक्स इटसेल्फ एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि स्पेशलाइज नेचर की कंपनी है, ठीक है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंजेस को मर्ज कर दिया गया, एक ही इस वक्त पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो जिसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज होती थी, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज होती थी, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज होती थी, 2016 में ये मर्ज हो गया, मर्ज हो गई, एक स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया, तो अब उस स्टॉक एक्सचेंज को भी एक तो उसका स्टेटस एज अ पब्लिक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी, फिर तीसरा उसको जो पास लाइसेंसिंग है स्टॉक एक्सचेंज की, लाइसेंसिंग अंडर एक्सचेंज रेगुलेशंस, एक्सचेंज का अपनी रेगुलेशंस और लॉ एक्ट है जिसके तहत आप पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, तो लिहाजा ये रेगुलेशंस इन तमाम रेगुलेटर्स की, मेन रेगुलेटर्स की, एक लिस्टेड कंपनी के हवाले से तमाम रेगुलेटर्स आपके यहाँ सामने। ये बातें बाजू का ये होता है कि देखिए जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो आप इन चीजों का बस नहीं ख्याल रखते कि रेगुलेटर की इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ सकती हैं। बाद अगर हम ट्रेड कर रहे होते हैं, हम ट्रेड करते हुए कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि कानून की नजर में जुर्म है, ठीक है, जब उसको कानून की नजर में जुर्म है तो उसके हवाले से फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग गिवन होना बहुत जरूरी है। देखिए ट्रेडर का काम क्या है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ट्रेडर का काम है जस्ट गो फॉर द ट्रेड, ठीक है, आप सेल कर रहे हो, बच्चे ट्रेड की डेफिनेशन में कोई भी एक कंडीशन आ सकती है। बाजूका ट्रेड का कॉन्सेप्ट लोग ये लेते हैं कि जी हम सेल भी करें तो परचेज भी करें तो भी ट्रेड होगी, नहीं, अगर आप सेल कर रहे होंगे तो भी ट्रेड है, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 कहता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो भी सेल है और अगर आप बाइंग कर रहे होंगे तो भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी आपने परफॉर्म कर ली है, सेल या बाइंग दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी आपकी, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में आप बाजूका कर रहे होते हैं तो ना जाते हुए भी कोई एक ऐसी चीज आपसे परफॉर्म हो जाती है जो कि रूटीन से हटके होती है और कानून के अगेंस्ट होती है, वहां पर कंप्लाइंसेस आगे खड़ी हो जाती है, वहां पर आपका रेगुलेटर आगे खड़ा होता है, डिफरेंट रेगुलेटर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हर एंटिटी को जज कर रहे होते हैं, ठीक है, एंटिटी की नेचर के मुताबिक, वो प्राइवेट एंटिटी है, वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी है, वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, वो कंपनी एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, एक नेचर है, आपको पता है पाकिस्तान में एनपीओ एनजीओ बहुत काम कर रही है, आप सब माशाल्लाह इन चीजों को देखते होंगे, सोसाइटी में जानते भी होंगे, एनपीओ के हवाले से हमेशा आपको सुनने में आता है कि एनपीओ की फंडिंग आ रही है, बड़ा वेलफेयर का काम हो रहा है, बड़ा सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है, लेकिन रेगुलराइज कैसे हो रही है, चैनलाइज कैसे हो रहा है, वो
पाकिस्तान में एफएटीएफ की जब इन्वॉल्वमेंट हुई उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सख्ती हुई और फॉरन फंडिंग के ऊपर तो खसूस सख्ती की गई, जिसके हवाले से ईएडी की लाइसेंसिंग को भी लाया गया, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की लाइसेंसिंग को। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट की गई कि आपकी जितनी फंडिंग पाकिस्तान से बाहर से आती है उसको चैनलाइज, उसके लिए लाइसेंसिंग होनी जरूरी है आपके पास ईएडी की। तो ये बात मजीद से मजीद खुलती चली जाएगी और कानून तो फिर ऐसी चीज है कि जितना मर्जी आप उसको खोलते चले जाए, ठीक है, वो तो मुख्तलिफ नेचर की कंपनीज भी आती जाएंगी, पर्सपेक्टिव भी आते जाएंगे। लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज इन दिस केस कि ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है कि कंप्लायंसेस ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कैसी हैं, ओवरऑल कंप्लायंसेस को कैसे देख सकते हैं। अगर आपको मैं एक इंडिविजुअल को मैं रखूं, अब मैं इसको आसान करता हूं, आपकी अपनी जाती हद तक लाता हूं इसको, आपकी इंडिविजुअली आपको देखने को मिलेगी, आप एज एन इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या क्या पर्सपेक्टिव इसमें आ सकते हैं। अगर आप एज एन इंडिविजुअल जाएंगे तो आप दो तरह से बिजनेस कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर कर सकते हैं या फिर आप सिंगल मेंबर कंपनी बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल आप कहते हैं कि मैंने किसी के साथ मिलकर कोई इलाहाक नहीं करना, कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है, मैंने किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करनी है और मैं जाऊंगा मैं अकेला बिजनेस करूंगा और मैं अकेला ही करना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है जी, आप कर सकते हैं। पाकिस्तान का कानून आपको इजाजत देता है, कैसे इजाजत देता है, पाकिस्तान का कानून कहता है कि यू कैन डू इट बाय ऑप्टिंग फॉर एनी टू ऑप्शंस, या तो आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर आ सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है बेसिकली, वो आपके एनटीएन के अंदर, इंडिविजुअल के एनटीएन के अंदर बिजनेस एडिशन होता है। सोल प्रोप्राइटर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है, लोग उसको आम आप जनरली किसी के पास बैठे होंगे, कोई आपको दिखाएगा, वो बात कर रहा होता है, बाजार कह रहा होता है मेरी कंपनी है, ठीक है, ये लोगों की एक कॉन्सेप्शन है, लोग इस तरह परसीव कर रहे होते हैं कि जी जो बिजनेस एडिशन एनटीएन में हो गया वो हमारी कंपनी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बिजनेस एडिशन सिर्फ एक आपके एनटीएन के साथ टैगिंग होती है, जिसमें सोल प्रोप्राइटर के केस में आपकी लाइबिलिटी इंडिविजुअली आपकी लाइबिलिटी ही बिजनेस की लाइबिलिटी ही आपकी लाइबिलिटी है। क्यों? बिजनेस आपसे सेपरेट नहीं है, ठीक है, बिजनेस आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके अकाउंट बैंक्स में अक्सर आप जाते हैं, बैंक्स वाले आपको, क्योंकि आप बैंक में जो देखें दो चीजें हैं, बैंक्स में आप जैसे जाएंगे आप कहेंगे जी मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना है, बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाना है, फौरन खुल जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइए जी आप हमें लेटर हेड दीजिए, हम अभी खोल के देते हैं आपको, आप उसको खोला लेटर हेड देंगे, सपोज आप लिखेंगे जी एबीसी एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज का वर्ड वो वर्ड है जो कंपनी एक्ट 2017 में कंपनी के लिए अलाउड ही नहीं है, कंपनी अगर आप लेना चाहें क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो प्रोविडेंट है अंडर कंपनी एक्ट, एंटरप्राइज का नाम सुना होगा अक्सर लोग लेते हैं एंटरप्राइज, देखिए एंटरप्राइज अगर आप उसके लघवी मानी में जाएं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लघवी मानी में अगर उसको डिक्शनरी में ही देखें, ठीक है, आप किसी भी बिजनेस को जिस तरह आप कहते हैं ना जी हमने नाम के आगे को लगा दिया है, हमने नाम के आगे ओआरजी लगा दी है, ठीक है, हमने नाम के आगे एंटिटी लगा दी है, इट्स जस्ट अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हैं कि आप बेसिकली इसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, कोई भी वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अगर उसके लीगल परस्पेक्टिव में देखूं मैं, ठीक है, अगर आप उसके डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो तो सबके सामने है ना कि आप उसको डिक्शनरी मीनिंग तो कोई भी सर्च कर सकता है उसके, लेकिन मैं उसके आपके लीगल परस्पेक्टिव में आपको बताना चाह रहा हूं कि लीगल परस्पेक्टिव में जब आप जाके उसको देखते हैं तो उसका कोई वजूद नहीं है, लीगल परस्पेक्टिव में उसका कोई वजूद नहीं है। एंटरप्राइज का वर्ड इज प्रोहिबिटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017, अब कंपनी वर्ड कंपनी एक लफ्ज है ना, CoMPANY कंपनी, ये प्रोहिबिटेड है, आप इसको अपनी कंपनी के नाम के साथ लिख ही नहीं सकते Unless until you have special permission. अगर आप कहेंगे मैं फेडरल गवर्नमेंट हूं, ठीक है, और मैं आपने लेस्को का सुना होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आई थिंक सब लॉ से ही है मेरे ख्याल में सब लोग, तो लेस्को आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, लेस्को से आता होगा, लेस्को का तो पूरा नाम पड़ा है आपने, नोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, क्यों, कंपनी का वर्ड तो प्रोविडेड है बट दैट इज गवर्नमेंट ओन एंटिटी, गवर्नमेंट ओन एंटिटी क्योंकि उसमें मोर जो उसमें सबस्टेंशियल कह रहा हूं सॉरी
बेसिकली जो होल्डिंग इसमें जिसका स्टेक है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जब आ रही है तो वो अपने वर्ड के अपने नाम अपनी एंटिटी के अंदर नाम के साथ कंपनी लगा सकती है। Would you follow this? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर लॉ कुछ डिफरेंट स्टैंड करता है, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, डिक्शनरी मीनिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लॉ कभी भी कंप्लायंसेस के परस्पेक्टिव में, कभी भी ऑडिट के परस्पेक्टिव में लॉ कभी भी डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेता, हम उसको डिक्शनरी मीनिंग में लेते हैं। देखिए कानून को हमेशा प्रिसाइज होना जरूरी है, ठीक है, कानून को बहुत ज्यादा स्ट्रेट होना जरूरी है, कानून जितना ज्यादा मुभम होगा तो जितनी ज्यादा उसमें हेर फेर होगी, चाल होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए उतने ज्यादा मौके होंगे, आपके उतने ज्यादा चीजें मिलेंगी ना आपको। अगर वो प्रोहिबिटेड वर्ड की लिस्ट ही ना दे, प्रोहिबिटेड वर्ड की लिस्ट ही ना दे अंडर इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस के अंदर लिस्ट मौजूद है पूरी प्रोहिबिटेड वर्ड्स की, ऐसे उसमें लिख कर दे देंगे कि भाई ये चीजें आप नहीं यूज कर सकते अपनी कंपनी के नाम के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इमरान खान का नाम नहीं यूज कर सकते, हालांकि बड़ा फेमस है इसको, ठीक है, अथवा आशीष साहब बहुत फेमस है, आप नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जाके अटैचमेंट शो करता है, वो कहते हैं कि आपका इनके साथ क्या लेना देना है जब आप उनका नाम उठा के एक पब्लिक फिगर का नाम उठा के अपनी कंपनी के नाम में यूज कर रहे हो। ये एक लॉ का लॉ की पर्सपेक्टिव में सोचने का तरीका है, लॉ कंप्लायंस को इस तरह लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में आपको आजादी है, जो दिल करता है अपने नाम के साथ लगा लो, एंटरप्राइज छोड़ो, कंपनी छोड़ो, जो आपका दिल करे, इमरान खान का क्या, नवाज शरीफ का क्या, जिस मर्जी का नाम लगा लें, कायदे का नाम लिखे, कोई नहीं रोकने वाला आपको, क्यों? सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस की लाइबिलिटी उसकी अपनी लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके बिजनेस का वजूद ही नहीं है, उसके बिजनेस का वजूद ही नहीं है, लोगों को नजर आ रहा है कि इसका बिजनेस है, लेकिन उसका बिजनेस कानूनी तौर पर उसका बिजनेस उसी का ही बिजनेस, और उसका बिजनेस उसी उसके बिजनेस के तमाम असासे उसके ही है, उसके बिजनेस की तमाम लाइबिलिटीज उसकी है, अलग नहीं है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि वो अलग ही नहीं है, तो आप उस पर्सपेक्टिव में क्यों, अब मैं कहूं जी मैंने मेरा एक बिजनेस है एबीसी, ठीक है जी, बिजनेस मेरा बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा जी, क्या करता है बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल जी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, किसी भी आइटम की जो आपको पसंद हो सबको वो रख लीजिए, तो मैं खुद जाती तौर पर भी फूड आइटम रखूंगा लेते हैं, तो उसमें आपको फूड आइटम आप रखे हैं उसमें, ठीक है, आप फूड आइटम रखे हैं उसकी कहेंगे मैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहूँ जी उसके बहुत सारे एसेट्स हैं, ये बिल्डिंग भी है, वो बिल्डिंग भी है मेरे बिजनेस की, वो भी अच्छा जी मेरे, वो कहेंगे आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या है, मैं कहूँ जी लाइबिलिटीज क्या है जी, ये पे करना है मैंने, बैंक लोन पे करना है, कुछ गारंटीज पे करनी है, कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, वेंडर्स को देने हैं सब कुछ, ठीक है। अब जो बंदा कानून को समझता होगा ना, या वो बंदा जिसने बिजनेस करने से पहले इस चीज को समझा होगा कि बिजनेस कंपनी में कंपनी के थ्रू करना है या मैंने इंडिविजुअली करना है, इंडिविजुअली करना मना नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको वजह कर रहा हूं, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ब्रीफ करना चाह रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या है। अगर आप उसको इंडिविजुअली देखेगा कोई बंदा कानूनी तौर पर, और खुदा ना खास्ता अगर कोई मेरे वेंडर के साथ किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, हो सकते हैं कारोबारी मामला होते हैं, कोई खिलाफ हो जाते हैं, बैंक के साथ हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, हमें बुलाएंगे अपने ऑफिस में, बुलाएंगे कोई पटिशन फाइल करेंगे कोर्ट में, हम नहीं मानेंगे बात, वो कोर्ट में चले जाएंगे, पटिशन फाइल कर देंगे, ठीक है, वो पटिशन किसके खिलाफ फाइल करेगा, मेरे बिजनेस का तो वजूद ही नहीं है कानूनी तौर पर। अच्छा अब इसको मैं मजीद आसान करता हूं, कंपनी के अंदर दो लोग कम से कम कंपनी को मिलकर बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड को, लेकिन एसईसी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे बोला जाता है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, जो कि बाय नेचर प्राइवेट कंपनी होती है, बाय लीगल नेचर वो प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन एक ही बंदा अगर चाहे तो वो कंपनी बना सकता है, और उसको बोला जाता है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी का नाम रखता हूं एबीसी, ठीक है, एबीसी एस, और उसके बाद फिर parenthesis, brackets, एसएमसी डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं उसको यूज कर सकता हूं उस एसएमसी के कॉन्सेप्ट के तहत। क्यों हुआ ये कि कुछ लोगों ने किया कि इंडिविजुअली जब बिजनेस किया, इंडिविजुअली बिजनेस करने के बाद उनकी लाइबिलिटीज और एसेट्स इसी तरह मिक्स हुए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इंडिविजुअली बिजनेस या बिजनेस अपने पर्सनल से अलग नहीं है, जब पर्सनल से अलग नहीं हो तो लोगों के लिए इंडिविजुअली बिजनेस करना मुश्किल हो गया,
कुछ लोग, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके और मेरा मिजाज इस तरह के, एटीट्यूड इस तरह के कि हम किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, तो हम में से बैठे हुए यहाँ हर शख्स का ये मिजाज हो कि वो किसी ना किसी के साथ मिलकर काम कर सकता है, जरूरी नहीं है। तो जरूरी अगर ये नहीं है तो फिर मार्केट में मौजूद इन्वेस्टर्स को जो कि इंडिविजुअली काम करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको सिक्योरिटी कैसे देनी है, उनको श्योरिटी कैसे देनी, उनको सर्टेनिटी कैसे देनी, उसके लिए कॉन्सेप्ट एससीसीपी ने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि सिंगल मेंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिविजुअली करना चाहते हैं, बड़ा आसान है जी, उठे अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं एज अ सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी नाम के साथ जो आपको मुनासिब लगता है और नाम की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, अगर अवेलेबल होता है आप जाए रजिस्टर करवाएं और उस पर काम करें जैसे आपका दिल करता है उस पर काम करें, ठीक है। अब होगा क्या, फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि कल को अगर कंपनी की कोई बनते हैं, कंपनी की कोई चीजें बनती है, जिस तरह अभी हम मिसाल दे रहे थे किसी बैंक के साथ या बाकी किसी मामले में कोई उलझन बनती है, वो चाहते हैं पिटीशन फाइल करते हैं, तो पिटीशन किस में फाइल करेगा, बैंक, सपोज बैंक के साथ हमारा मसला हो गया, बैंक किस पे पिटीशन फाइल करेगा, कंपनी, क्या वो कंपनी के डायरेक्टर पे फाइल कर सकता है कंपनी की लायबिलिटी के लिए, नहीं कर सकता, कंपनी की लायबिलिटी के लिए कंपनी पर ही पिटीशन फाइल करेगा। 1882 के अंदर ये इट वाज अ सेटल्ड केस, 1882 के अंदर ब्रिटिश कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें एक बंदे ने दावा किया है कंपनी के ऊपर कि जी इस कंपनी ने मेरी लायबिलिटी पे करनी है, इस कंपनी ने मेरे पैसे देने हैं। बंदा बड़े आराम से बैठा रहा, उसने कहा ठीक है पिटीशन फाइल कर दे, सब कुछ ठीक है ये वो, और वो कोर्ट में जब गया, ठीक है, उसने कहा कि जी ठीक है आपने पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है सब कुछ ठीक है, उसने कहा जज साहब मुझे एक बात बताइए, क्या पैसे इसके मैंने देने हैं या इस कंपनी ने देने, बताए ना मुझे, कंपनी ने देने, मैं क्योंकि मेरी कंपनी है, पैसे मैंने देने या कंपनी ने देने, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानून कहता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने वो असासाजात के लिए, एसेट्स के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, लाइबिलिटीज के लिए खुद जिम्मेदार है, खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर आप उससे क्यों लेना चाह रहे, या तो मैंने कोई ऐसा एक्ट किया हो जिसकी वजह से कोई ऐसी कोई फ्रॉड हो, कंपनी को फ्रॉड की तरफ मैंने धकेला हो, मैंने तो नहीं धकेला ना, मैं तो कह रहा हूँ लाइबिलिटी है कंपनी ने देनी है, जी देनी है, मैं तो इनकार कर रहा हूँ बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ डायरेक्टर मैं कह रहा हूँ जी कंपनी ने देनी है तो कंपनी देगी ना, अगर नहीं देगी तो आप उसके एसेट बेच के आप पूरी करने की लाइबिलिटी, आप मेरे एसेट क्यों बेचेंगे कंपनी की लाइबिलिटी पूरी करने के लिए, अनलेस अंटिल इट इज प्रूवन कि वो जो एक्ट है जिसकी वजह से ये लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है इट इज बिकॉज ऑफ माय पर्सनल एक्ट, या मैं पर्सनल कोई ऐसी इंडल्ज किया मैंने कंपनी को या मजबूर किया है इंडल्ज होने पर किसी ऐसे काम में जिसकी वजह से कंपनी ने फ्रॉड कमिट किया या लाइबिलिटी क्रिएट हुई। So, अब हमारे कि इंडिविजुअली जब आपने बिजनेस करने जाएंगे आप माशाल्लाह तआला आप सबको सलामत रखे और आसानियां पैदा फरमाए आप सबके लिए, आप जब जाएंगे बिजनेस करने के लिए एंड यू विल बी अ सीजन एंटरप्रेन्योर, तो आपको तब इस चीज पर रियलाइज होगा कि हम किस जाविये में हमें जाना चाहिए, किस लिहाज से जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं अब कंपनी का क्या है, कंपनी रजिस्टर करवाएंगे आप उसकी कंप्लायंसेस पूरी करेंगे, कंप्लायंसेस क्या पूरी करेंगे आप उसकी एनुअल कंप्लायंसेस करेंगे, एनुअल कंप्लायंसेस आप उसकी एससीसीपी के साथ करेंगे, उसकी रिटर्न्स फाइल एनुअली आप उसके बाद उसकी रिटर्न्स एफबीआर के साथ फाइल करेंगे, करें बिजनेस, खुल के करें बिजनेस, बिजनेस करने में क्या हर्ज है, ठीक है। हमारे पास अलविया क्या है, हमारे पास अलविया ये है कि हमारे पास जो सोसाइटी में आप कभी किसी से मिलने जाएंगे और कहेंगे मैं कानून तौर पर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, वो आपको सबसे पहले डराएगा, नहीं नहीं कानूनी तौर पर नहीं करना, ऐसे ही है ना आपने सब किया होगा, नहीं। अच्छा एक छोटी सी फाइलर का कॉन्सेप्ट पता है आप सबको, फाइलर होना, फाइलर बनने, वो आजकल तो ऑटो रिक्शा के पीछे भी लिखा हुआ है फाइलर बने और इंतहाई दुख की बात यह है कि हजार रुपए साथ रेट भी लिखा हुआ है हजार रुपए में फाइलर बने, हालांकि कानून को नहीं जानते ना लेकिन काम शुरू कर दिया है, वो फॉर्म है ना फॉर्म गलत भर देना है, किसी का भर दिया तो नुकसान उसके ना हमारा क्या जाएगा, ठीक है ना। अब वो जब काम ये शुरू वो फाइलर बने आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब वो कहते होंगे जी फाइलर बने तो आप किसी से मशवरा लेते होंगे तो आगे से वो शख्स कहता होगा नहीं ये काम ना करें, ठीक है ये काम ना करें, क्यों, अगर आप ये काम करेंगे तो आप क्या होगा
कि आप कानून की नजर में आ जाएंगे, आप एफबीआर वालों की नजर में आ जाएंगे, आप एफबीआर की नजर आने के साथ आपकी नजर को आपके कारोबार पर नजर रखना शुरू कर देंगे, आपके कारोबार पर नजर रखने के साथ बहुत सारे आपको नोटिसेज आएंगे और पता नहीं क्या कुछ होगा, बहुत डराते हैं। सो लीगली डूइंग बिजनेस कहीं भी बुरा नहीं है भाई, बहुत फायदे है उसके अंदर, बहुत फायदे है। अगर आप कहेंगे मैं फाइलर होना है, मैंने इनकम की बेस पर ही होना है, तो फिर आप फाइलर होने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, देखिए आप फाइलर जो कानून के तहत आपके ऊपर एप्लीकेशन आती है वो एक अलग चीज है कि जी इस लिमिट पर आपकी इनकम आई, आपके ऊपर अप्लाई हो गया कि आपने फाइलर करी, वो एक अलग चीज है। अब एक एक चीज है, एक एक दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है जिससे हम भागते हैं, वो क्या है? एक तो कानून की किताब में लिख दी ना उसने कंडीशंस कि ये कंडीशन पूरी होगी, आपके ऊपर कंपल्शन है कि अपनी रिटर्न फाइल करें। ठीक है सर, हमने मान लिया कानून। अब मुझे एक बात बताएं, फाइलर क्यों बनेगी? आपने अपने बिजनेस का बेनिफिट लेना है तो फिर आप बनेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी लैग कर रही है। ठीक है, हमारी सोसाइटी क्या क्या करने की कोशिश कर रही है? हमारी सोसाइटी ये करने की कोशिश कर रही है कि भाई जब तक कानून से बचा जा सकता है बचे। ठीक है, हालांकि कानून से बचने में नुकसान है आपका, आपको बहुत सारे फवायद मिल सकते हैं बीइंग अ फाइलर। ठीक है, आज कहां कहां से आपका टैक्स आधा हो जाता है, वो सारी जगह मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे आप लोग माशाल्लाह, प्रैक्टिकली देख रहे होंगे आपकी चीजों को। तो कहां कहां से आपके टैक्स आधे हो जाते हैं, कहां कहां से आपके टैक्स कम हो जाते हैं, कहां कहां से आपका टैक्स माफ हो जाता है, वो सही है, वो सारी चीजें। ठीक है, अहम बात यह है, देखें अब मैं जो मुझे समझ आई अली भाई और मैं भाई अदब के साथ, अली भाई मेरे साथ मेरे साथ बैठे हैं, अली भाई सीनियर, मेरे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, मैं भाई क्या काम करता हूं, आप सब जाना चाह रहे हैं एक बीइंग सोसाइटी में जाना चाह रहे हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्या मैं सही हूं? जॉब भी कर रहे हैं तो गलत नहीं है भाई, तो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग तो होने में नहीं है ना, उसको डेवलप कर देना। अगर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जा रहे हो तो फिर क्राइसिस का पर्सपेक्टिव उसमें देखो कि मैंने बिजनेस करना है। लीगल पर्सपेक्टिव आपसे बात करने का मकसद जहां तक मैं इसको सेस कर पाया हूं या मेरा ख्याल है कि वो ये है कि देखें कंप्लायंसेस क्या होती है। मैं आपको हजारों कंप्लायंसेस गिनवा सकता हूं जो एक कंपनी ने पूरी करनी है, बट हाउ दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एनी वन ऑफ यू? सबसे काम होंगी कंप्लायंसेस, सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में सबसे कम कंप्लायंसेस है, सबसे कम। आपने कोई मसला नहीं किया, आपने आपको मैं बता रहा हूं आपने कोई कोई और मसला नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, आपने ईयर एंड पे दो फाइलिंग्स करनी है बस। एक फाइलिंग आपने एससीसीपी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, दूसरी आपने फाइलिंग करनी है जी एफबीआर के साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तीसरी चीज, अगर कोई आप ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि सेल्स टैक्स के सेल्स टैक्स के सर्कल में आ जाता है, सेल्स टैक्स के एप्लीकेशन में आ जाता है, तो उसकी सेल्स टैक्स की रिटर्न होती है मंथली का नहीं, आप रिटर्न मंथली रिटर्न होती है आपकी। लेकिन बात यह है कि जब एक एक चीज बड़ी अहम है यहां जो मैं आप तमाम अपने दोस्तों से बात शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिये जब आपने बिजनेस करना है ना, जब आप बिजनेस करने के लिए बैठे हैं और आप बिजनेस का माइंड सेट लेकर आए हैं, ठीक है जी मैं एज एन एंटरप्रेन्योर काम करूंगा मार्केट में, ठीक है, then you should be ready for these things. These are not a big task. I think compliances which you can easily come over. ठीक है, ये ऐसा कोई भी इसमें टास्क, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी कंप्लायंस है, नो आपने दो फाइलिंग्स करनी है, एफबीआर के साथ एक एसएससीपी के साथ, बिजनेस करें लीगली करें, एसएमसी के केस में सिंगल मेंबर की केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्योंकि वो दो लोगों पर मुश्किल होती है कम से कम, ये एसएमसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है। अगर अब थोड़ा सा और मजीद उसको वजाहत करते हुए इस पर्सपेक्टिव में कि अगर आप में से कोई समझते हैं दो लोग कि वो मिलकर काम कर सकते हैं तो देन यू शुड गो फॉर अ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यहां पर एक और सवाल है कि हमारी सोसाइटी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बजाय हमेशा लोग आपको ये कहते हैं कंपनी ना बनाना, पार्टनरशिप बना लो।
किसी ने सुना आपने से ये पता नहीं मैं शायद, लेकिन मैंने ही बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब आप लोग काम करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व भी करेंगे कि कंपनी नहीं बनानी, पार्टनरशिप बना लो। भाई क्यों बनाए? अब पार्टनरशिप के पीछे जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब पार्टनरशिप की लायबिलिटी एओपी जिसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लीगली टर्म उसकी एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो लायबिलिटी है वही वो लायबिलिटी पार्टनर्स की भी है। मतलब ये कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कोई लायबिलिटी जो सेटल नहीं कर सकती एसोसिएशन ऑफ पर्सन खुद, वो उसके पार्टनर सेटल करेंगे। दो बंदों की लायबिलिटी 50-50 होनी चाहिए, एक का एक नहीं, आप ही सारा जो फंस सकता है बंदा। कानून कहता है पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसके पार्टनर्स लायबल है, वो ये नहीं कह सकता। लेकिन ये चॉइस तो बचती ही नहीं है, ये चॉइस तो बचती नहीं है, वो कहता है कि मैं नहीं देता। क्यों नहीं देती? कानून पाकिस्तान में धोखा हो गया। कानून तोड़ना है तो फिर ये मैटर ही नहीं करता कि आप ज्यादा बड़ी गलती करेंगे या छोटी गलती करेंगे, आप गलती करेंगे, गलती गलती होती है ना, ठीक है ना, छोटी बड़ी तो होती नहीं है, ठीक है, वो तो हमारी सोच है ना कि गलती छोटी गलती है, ये बड़ी गलती है, ठीक है। अब जब आपने सोच लिया कि आप कानून तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे ना, ठीक है, अब उस कानून को तोड़ेंगे जब, तो उस कानून की फिर हवाले से देखें। मैं ये बात देखें, एक चीज हमेशा मौजूद होती है कि ठीक है पाकिस्तान में कानून के बड़े हालात जो है ना वो खस्ता है, कानून की लागू होने के हवाले से भी हालात बहुत खस्ता है, लेकिन हमारे पास एक चीज बड़ी अहम है कि कानून हमारे पास मौजूद है हर चीज का, हर बात के हवाले से कानून जी, लेकिन फिर भी मैं इस हवाले से भी पॉजिटिव, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जब तक खुद मस्बत नहीं होंगे ना, खुद पॉजिटिव नहीं होंगे, तो आप पॉजिटिवली परसीव नहीं कर सकते, और जब आप पॉजिटिवली परसीव नहीं कर सकते तो फिर पॉजिटिवली डिलीवर भी नहीं कर सकते, ठीक है, और जब पॉजिटिवली डिलीवर नहीं करेंगे तो आप सोसाइटी को, मार्केट को कुछ भी पॉजिटिवली उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कानून मौजूद है, ला कानून ही मौजूद है, कानून को तोड़ा जाता है, अपने शौक से तोड़ा जाता है, जैसे कुछ लोग सिग्नल को शौकिया तोड़ते हैं, ठीक है, शौकिया तोड़ते हैं कि हमने कानून की थोड़ी सी धज्जियां उड़ानी है, हमारी भी सफों में ये, हमारी भी तारीख के पन्नों में ये दर्ज हो जाए कि हमने भी कानून तोड़ा है, ठीक है। तो अब वो एक होता है ना कि आप सिर्फ वक्ती, आप समझते हैं कि कानून तोड़ने से हमें वक्ती तस्कीन हासिल हुई है, कोई जाती तस्कीन हासिल हुई है, पता नहीं कौन सी तस्कीन होती है, मुझे तो समझ भी नहीं आती, ठीक है, तो वो कानून तो टूट गया, कानून तो टूट गया। अब अगर आपकी इंटेंशन चाहिए होगी ना कि मैंने ये नहीं देना पैसा, नहीं देना, उस पर ये है कि कानून मौजूद है, कानून का रास्ता भी मौजूद है, कोर्ट भी मौजूद है, यकीन माने आप कोर्ट में ही जाते हैं, कोर्ट में ही चीजें तैयार होती हैं, कोर्ट में ही फैसले होते हैं। आल तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मैं कमेंट, मेरी हरगिज ये आदत नहीं है और ना मैं ये करूंगा कि मैं अदलिया के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अलमिया ये है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन काम है, ठीक है, कानून जरूर मौजूद है। अगर आप उसे ये कहें कि कानून मौजूद है, अगर वो डिफॉल्ट कर दे, ये बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, आपके हर हवाले से कानून मौजूद है। आप बाज़ तो ऐसे कानून यकीन माने सामने आते हैं, मैं उस दिन बैठा थी लेबर एक्ट के हवाले से, मैंने कानून में कि लेबर एक्ट के कानून कुछ ऐसे जरूरत पड़ गई, देखने पड़ गए, तो कोई 34 के करीब, 34 देखें आप, 34 के करीब उसके रूल्स रेगुलेशन और लॉ सामने आ गए, सारे के सारे लेबर लॉ से मुतालिक है। अगर ये सारे के सारे लेबर लॉ से मुतालिक है, लेबर से मुतालिक है, पाकिस्तान में सबसे बुरा हाल किसका है? कानून को याद तो नहीं किया जा सकता ना, कानून याद करने वाली चीज भी नहीं, जो कानून को याद करने की कोशिश करता है वो तो इंतहाई अहमद हरकत है ना, कानून को तो नहीं याद किया जा सकता, ठीक। लेकिन आप ये देखें कि कानून कितने मौजूद है,
और कानून के मौजूद होने के बावजूद सबसे ज्यादा जो पिस रहा है माशरे में जो तबका वो भी आपके साथ, तो कानून मौजूद है आप जा सकते हैं। पार्टनर्स को सिक्योरिटी ज्यादा है, दो पार्टनर्स आए मैंने एक पार्टनरशिप बना ली वो अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है, दो पार्टनर्स बने तो जी बिल्कुल ज्यादा सिक्योरिटी पार्टनर्स को किस केस में मिलती है गवर्नमेंट कानून की तरफ से कंपनी क्यों ये भी सवाल है कि क्यों मिलती है, हाँ हम पार्टनरशिप क्यों बनाते हैं ठीक है, अगर आपका सवाल मजीद नहीं है तो यही है यही क्वेश्चन। तो अब पार्ट ये बात मैंने पहले भी बताई है कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट 2007 इस वक्त पाकिस्तान में एप्लीकेबल कंपनी एक्ट 2007 कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सबसे पहले तो आपको ये सिक्योरिटी कि जी कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी पहली बात, दूसरी बात पार्टनर्स कैसे सिक्योर है आपकी पार्टनर आपकी अपनी पार्टनर्स का वर्ड तो खैर ये पार्टनरशिप के केस में होता है, शेयर होल्डर्स कैसे सिक्योर है कंपनी के केस में ठीक है, शेयर होल्डर्स इस तरह सिक्योर है कि उनकी तमाम शेयर होल्डिंग रजिस्टर्ड है SEC प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है। अगर आप में से कोई पार्टनर ये चाहे कि हम शेयर होल्डर ये चाहे कि जी मैं अपनी शेयर होल्डिंग दे दूं या ये चाहते हैं कि ये शेयर इस शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग किसी दूसरे शेयर होल्डर को दे दी जाए तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्म्स प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास उनके रेलिवेंट CRO में कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो मुख्तलि जगह मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, कराची पाकिस्तान के मुख्तलि शहरों में मौजूद है। जब तक वो अप्रूव नहीं करता ना रजिस्ट्रार आपका रेलिवेंट रजिस्ट्रार तब तक आपकी पार्टनरशिप की आपकी सॉरी शेयर होल्डिंग चेंज नहीं होती शेयर होल्डर्स ठीक है। अब ये एक ऐसी सागर है, एक बंदा पार्टनरशिप के लिए सॉरी पार्टनरशिप का वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं टाइम आदर के साथ, जब एक बंदा बिजनेस करने के लिए आता है और वो एक खास किस्म का कैपिटल खास किस्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और शेयर होल्डिंग लेकर आ रहा होता है शेयर होल्डिंग ले रहा होता है और शेयर होल्डिंग के बदले आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रहा होता है इक्विटी दे रहा होता है ठीक है, तो जब वो आपको ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रहा है अपना पैसा दे रहा है तो बदले में वो क्या मांगता है, वो कहता है कि यार बिजनेस के अंदर मेरी जो एक स्टेटस है या मेरा एक लीगल स्टेटस है वो ओके ठीक है। उस केस में अगर आप बिजनेस में इस तरह जाना चाहते हैं तो कंपनी आपके लिए अंडर कंपनी से 2017 इससे ज्यादा सिक्योर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है पाकिस्तान में, सो कंपनी सबसे ज्यादा सिक्योर ऑप्शन है आपके पास और सिक्योर होने के साथ साथ आपके लिए बेनिफिशियल भी है ठीक है। हाँ कंपनी के ऊपर फिक्स सेशन हो सकती है ठीक है, लेकिन एक 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 और मेंटेलिटी यहां पर जो है ना आप सबके लिए उसको भी वजह करता चला जाओ, हमारे यहाँ एक बड़ा बहुत बड़ा अलमिया है अगर हम देखें बिजनेस कर रहे हैं और हम बिजनेस सावधान आप कमर्शियल बिजनेस जो कर रहे होते हैं प्रॉफिट जनरेशन के लिए कर रहे होते हैं, लॉस के लिए तो कोई भी नहीं कर रहा होता, अगर आपने प्रॉफिट जनरेशन के लिए नहीं कर ली तो आप NPO की तरफ जाएंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे या नॉन कोई सोसाइटी बनाएंगे कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाएंगे आप इस तरह का काम करेंगे ना, वरना तो बिजनेस आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। अब अगर आपने पूरे साल में एक एग्जांपल दे रहा हूं 100,000 कमाया है 1,00,000 कमाया है और पूरे साल के बाद उस 1,00,000 के ऊपर अगर मैं फर्ज करता हूं आपको 10,000 देना पड़ गया तो क्या मुश्किल है, ये है ना ये आप सब समझे वो मुश्किल पड़ जाता है वो टैक्स मसला नहीं, लेकिन जब आपको नहीं फंसते तो आपको रिश्वत भी देनी पड़ती है नहीं देखिए जहां पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मुझे SECP के साथ काम करते हुए मोर देन 8 years हो गए, सो SECP इज समथिंग डिफरेंट ठीक है। हाँ मैं किसी अहदेदार का नाम नहीं लूंगा लेकिन अहदेदारों में हो सकता है ये है हो सकता नहीं बल्कि शायद आप लोगों ने पर्सनली ऑब्जर्व भी किया हो मैंने भी किया मौजूद है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा इदारे का ठीक है। तो ये चीजें सारी मौजूद हैं ये सारी चीजें मौजूद हैं मैं इन चीजों से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिजनेस में जब बिजनेस कर रहा होता है तो वो फिर भी लॉस में होता है इन सब चीजों के बावजूद, बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं होता, अगर बिजनेस का लॉस में चला गया तो फिर बिजनेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस करने के लिए निकलता है तो वो अपनी प्रोबेबिलिटी लेकर निकलता है ठीक है, वो अपनी
इस चीज की प्रोबेबिलिटी बना के घर से निकलते हैं कि मैंने 100 रुपए कमाना है, 100 रुपीज अर्न करने हैं, एंड आउट ऑफ दिस 100 रुपीज आई हाउ मच आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन विच एंड ईच एंड हाउ मच एंड द विच वे, ठीक है, मतलब कैसे करना है, किस पर करना है, क्यों करना है, उसको रीजन भी होती है बिजनेसमैन के पास कि क्यों करना है। तो ये इंतहाई बड़ा इसको मैं तो इसको एक टर्म ही इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए जी अलमिये की, कि हमारा अलमिये है कि हमारी स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज मौजूद है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ अवामिल है जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि नहीं होने चाहिए, मौजूद है, लेकिन क्योंकि लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह कुछ कर रहे हैं तो वो अर्न कर रहे हैं, तो बिजनेस चल रहे हैं, तो बिजनेस तो इस तरह चलते हैं, अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहेगा, कब तक सस्टेन कर सकता है लॉस, बड़े से बड़ा बिजनेस हो कब तक सस्टेन करेगा, कुछ दिन, चंद दिन, चले चंद दिन नहीं, चंद माह, चले चंद माह नहीं, एक साल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक साल यकीन मानिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक साल से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता, जब एक साल से ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट कहां गया, बिजनेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, बिजनेसमैन कहां गया, बिजनेसमैन भी खत्म हो गया, क्योंकि बिजनेस खत्म तो बिजनेसमैन कहां, सो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलेंगे तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म होगा। हाँ, कभी कभी ओकेजनल लॉसेस भी होते हैं, ये जरूरी नहीं कि बिजनेस में ना तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी बेयर कर रहा होता है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, सारी चीजें उसके साथ। कंपनी की कंप्लायंसेस बड़ी सिंपल सी है जनाब, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस रजिस्टर करवाए अपना, आपकी अपनी चॉइस है, कुछ लोग कंपनी, मैंने आपको सिर्फ ये बताई है चीजें कि